हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है ये दाल बंजारी। ये एक मारवाड़ी दाल है जो दो दालों को मिलाकर बनाई जाती है। तो चलिए आज इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक कप चना दाल और इसके साथ ही मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी एक कप छिलके वाली, वो टूटी जो काली उड़द की दाल होती है वो। ये देखिए एक कप ये, और अब इन दोनों दालों को मैं धो के और फिर हमें कुकर में सीटी लगाएंगे इसकी लगभग 4 से 5, क्योंकि ये वाली दाल तो गल जाती है जल्दी, चना दाल इतनी जल्दी गलती नहीं है कई बार। तो इसलिए हम 4 से 5 सीटी लगाएंगे और इसमें मैं सिर्फ पानी डालूंगी। इसमें हमें अभी हल्दी नमक और कुछ नहीं डालना है। और हाँ, साथ में मैं इसको हल्का खट्टापन देने के लिए आमिल की कुछ कलियाँ दूँगी। तो ये सूखी कुछ आम की कतलियाँ हैं आमिल, इनको मैं कुकर में दाल के साथ उबलने डालूँगी। उसके बाद हम इसको उबलने डालते हैं और फिर तड़के की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, तड़के के लिए हमें यहाँ पे लगेगा अदरक, लहसुन की कुछ कलियाँ, एक प्याज और एक टमाटर। इसके अलावा मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च। मैं सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं ली है। ये दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा और ये 4 से 5 लौंग। हमारी दाल उबलने वाली है और इसके साथ फिर हम लगाएंगे इसमें तड़का। तब तक हम हमारे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को बारीक कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म होने रखेंगे और कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, 3 चम्मच। आप रिफाइंड तेल में भी तड़का लगा सकते हैं, पर घी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है इसलिए मैं घी में लगा रही हूँ। घी लगभग गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और सूखी मिर्च। इसको मैं बीच में से तोड़ लूँगी 2 टुकड़ों में और मैं इसको तोड़ के डालूँगी। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें प्याज, प्याज को हमें अच्छा ब्राउन होने तक के लिए भून लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ मैंने तेज ही रखी हुई है ताकि ये जल्दी और अच्छे से भून जाए। गैस स्लो रखने पे प्याज होता है कई बार सॉफ्ट हो जाते हैं और वो भूनने में थोड़ा टाइम लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज लगभग भून के अब हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी हमारा टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर को अब हम सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा भूलेंगे ताकि ये गल जाए। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, दो चम्मच धनिया पाउडर और ये 2 चम्मच गरम मसाला। इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे दाल। इसमें अब हम डालेंगे नमक और मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है ताकि हमारी दाल अब तड़के के साथ अच्छे से मिक्स होके थोड़ा पके और उसका टेस्ट आए दाल में। यहाँ मैंने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। ये दाल रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसलिए हमने इसको थोड़ा गाढ़ा रखा है। आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए।
और इसको ढक के मैं 5 मिनट उबलने देती हूँ ताकि इसका मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल बंजारी बनके तैयार है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।